मेरे चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास। दोस्तों, हमने क्लास 11th की सीरीज स्टार्ट की हुई है केमिस्ट्री की, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इसमें मैंने आपको मैं बताऊंगा इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और सार एमसीक्यूज जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है और एमडी कैट और ई कैट के हवाले से केमिस्ट्री क्लास 11th में। तो हम इसमें जो पूरी बुक है मैं आपको जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप 90+ मार्क्स लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि आपको आने वाली जो है ये वीडियोस मिल सके। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, एक दफा रिमाइंड करवा दूं, हमने चीजें पढ़ी हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा है हमने, और हमने इसमें जो डिस्कस किया था और आइसोटोप के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मेरी प्रीवियस वीडियो लाजमी देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इस चैप्टर में जो है सिर्फ हमारे पास न्यूमेरिकल लॉन्ग में आएगा और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूस आएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल है ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, ग्राम एटम क्या होते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम फार्मूला मास क्या होता है, ग्राम आयन क्या होते हैं। तो अगर आप ये जो है 90+ मार्क्स लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लेक्चर का मैं आगाज करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हमारे पास जो है इसमें सबसे पहले जो है हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मोल, मोल क्या होता है। तो मोल हम 9th में पढ़ चुके हैं, द एटॉमिक मास, आयनिक मास या फार्मूला मास या मोलेकुलर मास हम अगर एक्सप्रेस ग्राम्स में करते हैं हम उसे मोल बोलते हैं, क्योंकि हर किसी को जो वेट करने का हमारे पास कोई हमारे पास जो है इसमें होता है। अगर हमने किसी को हमने लीटर में हमने जो अगर हमने लिक्विड को हमने मेजर करना है तो लिक्विड में करते हैं, ठीक है। अगर हमने मास मेजर करना है तो हम उसको ग्राम्स में करते हैं। इस तरह जो है इसका भी मोल का भी यूनिट है AMU, लेकिन हमने इसे अगर एटॉमिक मास में देखना हो, आयनिक मास में देखना हो तो हम इसे मोल्स बोलते हैं। इसको अगर हमने वेट करना हो तो इसका फार्मूला क्या है, आसान सा फार्मूला है, आप इसको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। तो ये अगर आपको कोई डेफिनेशन ऑफ मोल पूछे तो आपने डेफिनेशन मोल लिख देनी है और साथ उसका फार्मूला लिख देना है। तो आगे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल क्या है। एटम इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल होता है स्मॉल साइज में, तो इट इज इम्पॉसिबल टू वेट एन एटम, और एवरी स्मॉल एटम का वेट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको AMU एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। सो एटॉमिक मास में भी गिवन इन यूनिट में हो सकता है, लाइक ग्राम्स, किलोग्राम्स, पाउंड्स में हो सकता है। व्हेन वी एक्सप्रेस मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मोल कॉन्सेप्ट इज डेवलप। सो हमने हमने अगर ग्राम्स में अगर सब्सटेंस का मास मेयर करना है हम उसे बोलते हैं मोल। मोल आप देखें डिफरेंट हेडिंग्स है, डिफरेंट इसमें आपको क्वेश्चन हो सकता है ग्राम एटम क्या है, सिर्फ इसमें जो डिफरेंट चीज है इसमें सिर्फ यही है। अब इसमें हम एटम की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, एटोमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अब एटोमिक मास ऑफ किसका किसका होगा, एलिमेंट का, ठीक है। एटम में हम एलिमेंट की बात करते हैं, स्पेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम, इट नोन एज ग्राम मोल। सो फार्मूला इसका वही, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। सो इसकी एग्जांपल जो आपको अब मैं समझा देता हूँ कि अगर हाइड्रोजन का अगर हमने मास मेयर करना हो ग्राम एटम में तो कितना होता है, 1 होता है, लेकिन इसे जो हम पॉइंट में बोले तो 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, जो बराबर होता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के। आगे समझ, 1 ग्राम एटम इज आल्सो कॉल्ड 1 मोल। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है जो 12 ग्राम होता है कार्बन का, और 1 मोल ऑफ कार्बन बोलते हैं। इस तरह आप एक दो तीन याद कर लीजिए, मैग्नीशियम का 24 होता है ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, यूरेनियम का 238 होता है ये भी न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो आप इसे अच्छे तरीके से रिमाइंड कर लें, सिर्फ चेंजेस में ये है इसे मास ऑफ एन एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं,
ग्राम मोलेकुलर मास क्या होता है? मोलेकुलर मास, द मोलेकुलर मास ऑफ अ मोलेकुलर सब्सटेंस। अब पहले हमें पढ़ा था एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इसका क्या है, इसमें डेफिनेशन में सिर्फ ये चेंज है, मोलेकुलर मास ऑफ अ मोलेकुलर सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मोलेकुलर मास। ग्राम मोल या हम इसे सिंपली मोल ऑफ दैट सब्सटेंस बोल लेंगे। अब इसमें जो है फार्मूला में क्या डिफरेंस है, मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस ओवर मोलेकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो इसके एग्जांपल देखें, अब मॉलिक्यूल क्या होता है, वो तो हम एटम की बात की थी, सिंगल हाइड्रोजन की। अब अगर मॉलिक्यूल देखें तो H2 मॉलिक्यूल हमारे पास है, O2 मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम ऑफ H2 क्या है, 2.016 ऑफ H2 मीन टू से 1 मोल ऑफ H2। इस तरह आप इसकी दो तीन एग्जाम्पल अच्छे तरीके से कर लें। 1 ग्राम मोल ऑफ O2, 32 ग्राम ऑफ O2 एंड इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ O2। तो इसे हम कहते हैं ग्राम मोलेकुलर मास, ये ग्राम मोल। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। सो नेक्स्ट जो है इसमें है ग्राम फार्मूला। तो ग्राम फार्मूला क्या होता है, द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज ग्राम फार्मूला और मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इसमें हम क्या एक्सप्लेनेशन में हम लिख सकते हैं, आयनिक कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म में आयनिक जो है कंपाउंड नहीं होते, दैट इज व्हाई द सम ऑफ मैसेस ऑफ इंडिविजुअल आयंस मेक अप द फार्मूला मास। व्हेन इट इज एक्सप्रेस इन ग्राम इट नोन एज ग्राम फार्मूला। अब फार्मूले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मास ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस, वहां पे क्या था, मास ऑफ मोलेकुलर सब्सटेंस, क्योंकि हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्राम फार्मूला हमारा हमेशा आयनिक में होता है, आयनिक सब्सटेंस में, और फार्मूला मास ऑफ आयनिक। अब यहाँ पे चेंजेस आ गए फार्मूला मास की, मोलेकुलर मास की, एक ही डेफिनेशन, सिर्फ आपने रिमाइंड अच्छे तरीके से करनी है इसको। सो एग्जाम्पल हम फार्मूला, ग्राम फार्मूला की एग्जाम्पल मैं दूँ तो NaCl की एग्जाम्पल है, 58.5 ग्राम NaCl होता है। आपको पता है ये Na का मास हमारे पास 23 शायद होता है, और क्लोरीन का हमारे पास 35 होता है, तो 58.5 है 1 मोल ऑफ NaCl। इस तरह Na2CO3 का मास आपको पता है, तो ये 1 मोल ऑफ Na2CO3 के बराबर होता है, और AgNO3 का 170 ग्राम होता है, इसे हम 1 मोल ऑफ AgNO3 बोलते हैं, सिल्वर। और डेफिनेशन ऑफ फार्मूला मास, अब जो चौथी डेफिनेशन हमारी आ गई, डिफाइन ऑफ फार्मूला मास क्या होता है। अब फार्मूला मास क्या है हमारे पास, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ इंडिविजुअल आयन इन द फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसकी आपको अगर फार्मूला मास की आपको आई डेफिनेशन, तो उसकी भी आप ऐसे ही इसका फार्मूला बना सकते हैं। सो लास्ट हमारे पास रह गया ग्राम आयन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, द आयनिक मास ऑफ एन आयनिक स्पीशीज एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज ग्राम आयन और आयन और 1 मोल ऑफ द आयन। क्या फार्मूला उसका होगा, मास ऑफ आयन ओवर आयनिक मास। तो आपने जो है इसमें काफी चीजें सीख ली होंगी इसके बारे में, कि मोल क्या होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मोल का, मोल क्या चीज़ें हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखने, वो भी देख सकते हैं जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट्स हैं। अब जो इसमें मैं आप अगली वीडियो में आपको मैं इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बोर्ड में आने की काफ़ी चांसेस हैं उसकी। तो आप उस नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही ये यूज़फुल मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, कि अगर आप 90+ मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि जो है स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सके और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए पूरी बुक की जो है वीडियोज़ बनाऊँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।